हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरीज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और इस टाइम पे सुबह के बज रहे हैं 7। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना फ्रेश फ्रेश कैसे फील कर रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग बहुत लेट से सोए थे और बहुत जल्दी उठ गए थे, तो मतलब सोने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए थोड़ा फेस जो है वो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। तो बस चलिए अभी का आपके साथ अच्छा वाला अपना रूटीन शेयर करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी हमेशा आप सब पे अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखें। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले अच्छे से हेड मसाज के साथ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने सर में ऑयलिंग नहीं की थी। तो मेरी हाउस हेल्पर जो है, मैंने उनसे ही बोला कि प्लीज़ मेरे सर में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ये दीदी मैं कर देती हूँ। और ये तेल जो आप देख रहे हैं, ये ऑयल मैंने खुद से घर पे बनाया, बट इसका कोई इफेक्ट मुझे नहीं मिला। यार बोला जाता है कि सरसों के जो तेल होते हैं उसमें अगर आप उसे अपने बालों में लगाइए तो उसे इफेक्ट काफ़ी अच्छा मरता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मैंने जो हाईलाइट करवाया था उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गए हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं क्या करूं जिससे बालों का रुकना बंद हो जाए। पहले मैं बहुत सारे होम रेमेडीज ट्राई किया करती जिससे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल थी मेरे लिए, लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है मेरे साथ। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आने के बाद जो भी चीज़ें थी डेकोरेशन वगैरह की जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, वो सब मैंने अरेंज किया, क्योंकि कुछ घर का था तो मैंने उसको वॉश करवाया था और दीदी ने ऐसे वॉश किया था कि वो सब आपस में मिक्स हो गया था, तो वो छुटाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे बहुत इरिटेशन भी हो रही थी इस चीज़ को, क्योंकि मैंने बोला था कि अलग अलग करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक साथ ही सारा वॉश कर दिया था। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था कि उसे बार बार ऐसे निकालना पड़ा। तो फिर भैया हैं हमारे यहाँ जो नीचे काम करते हैं, फिर मैंने उनको बुलाया कि भैया आके थोड़ा ये सारी चीज़ें हैंग कर दीजिए, क्योंकि कर्टन्स वगैरह काफ़ी ऊंचे पे हैं तो मेरे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लगवा पाऊँ। मैंने इनसे ही देखिए मंदिर में इस तरह से लगवाया तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। बहुत टाइम से आगे पड़ा हुआ था, मैं कुछ कर नहीं पाई थी बट इसका, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि नहीं इसको चलो लगवा ही देते हैं। फिर उसके बाद मम्मी नाश्ता कर रही थी, उसके बाद मैं बैठी नाश्ता करने के लिए। मैंने चाय और ये पकौड़ी वगैरह होती है वो सब बनी थी, तो मैंने वो सब चीज़ें खाई फ़ोन देखते हुए। और यार पापा का साथ में हाल चाल भी ले रही थी कि क्या कंडीशन है उनकी, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल है मैंने बता रखा था आप लोगों को। आप लोग भी सोचते होंगे हर चीज़ में, हर वीडियो में अपने पापा का जिक्र करते क्या करूँ यार। माँ बाप जो होते हैं ना, वो होते ही उनको कुछ परेशानी हो, जैसे माँ बाप को होती है बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप हमेशा सब वो रहते हैं सपोर्ट में रहते हैं, वैसे ये चीज़ एकदम मतलब बर्दाश्त के बाहर है कि कैसे आपके सामने आपके मम्मी पापा के साथ कुछ इस तरह से हो जाए और आप ना कर पाए। कुछ थोड़ा सा लगता है कि यार फेस्टिवल है, घर पर रहना ज़रूरी भी है, वरना मेरा तो मन करता है कि मैं जाऊँ उन्हीं के पास ही रहूँ जाके। वो क्योंकि पूछते भी रहते हैं हमेशा कि कहाँ हो, और यही सारी चीज़ें थी। फिर मैंने अपना नाश्ता अच्छे से किया, आज तो मैंने फुर्सत में बैठ के नाश्ता किया था 45 मिनट, कम से 45 मिनट नहीं 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे पूरा अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने में, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद सीधा मैंने रात को खाया था, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह थी, मुझे मीठा बहुत पसंद है बट मैं अवॉइड बहुत ज़्यादा करती हूँ अब कि मैं ना खाऊं, बट क्या करूं यार मैंने मानता नहीं है। तो ठीक है फेस्टिवल वगैरह में चलता है, इतना माइंड नहीं किया। फिर हम लोग नीचे आ गए थे रंगोली बनाने के लिए, और ये मैंने रंगोली के सारे सामान ले आया था। कुछ मेरे पास लास्ट ईयर का ही पड़ा था, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ इसमें ये हो गई कि इस बार जो मैं कलर लेके आई थी वो थोड़े से पतले थे, और जो लास्ट टाइम मैं कलर लेके आई थी वो थोड़े से मोटे थे। तो वो इस बॉक्स से जो ये आप देख रहे हैं ड्रॉपर, उससे निकल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने काफ़ी सही रंगोली बना ली थी। जो इसमें मतलब मैंने इसमें प्लेट वगैरह का एंड कटोरी वगैरह का यूज़ करके काफ़ी सुंदर बना लिया था। मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया था, पूरी रंगोली जो है वो भी आगे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही लगन से मैंने बनाया था इसको, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा वीडियो पसंद आया हो तो। फिर उसके बाद रंगोली वगैरह बनाई, इसको बनाने में मुझे आधे घंटे का टाइम लगा था। एक यहाँ बनी थी, एक उसके आगे थोड़ी सी बनी थी, वो किकी ने बनाया था, और ये वाला मैंने बनाया था। इसमें जो बना हुआ है ना इसमें भी रख दीजिएगा। तो भी बना लेके ना।
और फिर यहाँ पे इस बार हम लोग ने पंडित जी को बुलाया था पूजा करवाने के, क्योंकि पूजा नहीं करना था हम लोगों को। रीज़न ये था कि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, कहते हैं घर में अगर बच्चा वगैरह हो जाता है तो पूजा पाठ नहीं होती है, बट ये साल भर का फेस्टिवल था तो उसको ऐसे भी नहीं जाने दिया जा सकता था, इसलिए पंडित जी को बुलाया गया। तो साथ में किक्की ने पूजा किया था, सारी पूजा वगैरह जो मंदिर वगैरह पर दिया वगैरह रखना था वो सब इस बार किक्की ने ही किया था, तो जो काफ़ी अच्छा वाला लग रहा था, लग भी बहुत प्यारी रही थी। आज के दिन इसने ये जो ऑनलाइन सूट मंगवाया था, मिंत्रा से मंगवाया था आई थिंक, आई डोंट नो, मेरा इसका साइज़ जो है लगभग लगभग सेम ही है। और यहाँ पे ये सब पटाखे चलाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब आप लोग बोलेंगे कि पटाखे वगैरह नहीं चलाना चाहिए, आई नो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन यार साल भर का फेस्टिवल होता है और हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए थे। यार पॉल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों से होता है और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मार्केट में मिलना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो मतलब शोरगुल बनता है किसी भी फेस्टिवल पे, जिससे लगे कि हाँ त्यौहार त्यौहार जैसा होता है। फिर मैंने खाया यहाँ पे अपना खाना रात के 11 बजे, और इस टाइम पे भाई लोग ने बोला था कि हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा पहले चलो खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ पे ये सब आ गए थे और देखिए यहाँ पे छत पे सब जाके हम लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बजे 1:30 बजे तक हम लोगों ने पटाखे जलाए थे, थोड़े थोड़े करके, फुलझड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें। हाँ पॉल्यूशन होता है आई नो, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ घर वाले भी हैं मानते। मुझे तो पटाखे से डर तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे ऐसे पटाखे पसंद हैं जो थोड़ी देर बाद रुक के बसते हैं। जैसे मैं अभी आपको आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे किस टाइप के पटाखे पसंद हैं जो थोड़ा रुक के बचते हैं, मतलब सडनली उसमें आग लगाओ वो तुरंत जलते नहीं हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर जलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जलेबी वगैरह जलाई, जिसको चकरी भी कहते हैं, ये वाला एक अच्छा पार्ट होता है। या कभी कभी ये सारी चीज़ें भी बहुत धोखा दे जाती हैं, ये भी ब्लास्ट कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इन पर ट्रस्ट तो करना पॉसिबल है नहीं। फिर यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला पटाखा जलाया, और फिर यहाँ पे मैं देखी चक्री जला रही थी, बट ये मुझसे अच्छे से जल नहीं रहा था, तो पीछे से भाई आया था मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि यार मैंने बताया ना कि मुझे पटाखे से वाकई में बहुत डर लगता है। कभी कभी केसेस में क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फट भी जाती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये चीज़ एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की है ये चीज़ कर पाना, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला डर लगता है पटाखे से। मैं सिर्फ और सिर्फ जो फुलझड़ी होती है उसको जलाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, मैं क्या बताऊँ। मैंने एक तो साड़ी भी पहनी हुई थी, मुझे लग रहा था कहीं चिंगारी आ ना जाए। यार अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे मैं जला रही हूँ लैला मजनू बम। एक्चुअली इसी बम के बारे में मैं बात कर रही थी, इसे पटाखे के बारे में बात कर रही थी कि ये पहले स्टार्टिंग में से कुछ स्पार्कल छोड़ता है, उसके बाद दन ये कहीं जाके ब्लास्ट होता है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि आपको थोड़ा भागने का मौका मिल जाता है कभी भी पटाखे वगैरह जला। बजेगा बजेगा भी। इधर आ छोटी, हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बस जला दिया है। क्या ये एयर बलून, और ये बिल्कुल भी नहीं जला, फुस हो गया, और दूसरा ये जलने की तैयारी में है। हर बार हम लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ये जलता कभी नहीं है, इस बार आई होप सो ये जल जाए। इस बार नहीं जलेगा। हाय एवरीवन, तो ये व्लॉग दिवाली वाले दिन का व्लॉग है और मैंने इसका एंड नहीं शूट किया था, तो मैं आज शूट कर रही हूँ व्लॉग। आपको भाई दूज वाले दिन देखने को मिलेगा। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो पोस्ट करने में, बट कोई नहीं, होता है कभी कभी लेट हो जाता है, थोड़ी काम वाम की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाती है चीज़ें। तो चलिए फिर, अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग्स
बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो मैं नीचे दोनों की आईडी मेंशन कर रही हूँ, अब वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।